50 साल से एक छोटू राम के नाम पे हमसे मतलब वोट लेके हमारे साथ गद्दारी कर गया, और एक चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट लेके हाँ नजर आ गए, कभी वहाँ उस गांव में कभी किसी से वो बड़े नलायक, ज्ञापन लेने में भी टेंशन है, पर इनको पता नहीं है शायद हम सुई से जहाज तक खरीदते हैं तो टैक्स हम लोग देते हैं और हमारे टैक्स। हमने बोर्ड भी देखा है यहाँ पर दो, जो दुष्यंत जी का और जो वीरज जी सिंह है, जो वीरेंद्र ठाकुर, जो वीरेंद्र जी के जो सुपुत्र है, गुमशुदा की तलाश, ये क्या मामला है? ये मामला है, हमारा उचाना धरना लगा हुआ है 72 दिन से, और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने धरना लगाया था। जैसे तहसील में तहसीलदार नहीं था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, उसके अंदर गटर का पानी आ रहा था, जैसे किसान निधि है वो कटी हुई थी, बहुत सरकारी कॉलेज की हमारी मांग थी और खेल स्टेडियम की मांग थी, और जो हमारा एक गुरुकुल खेड़ा में एक महाविद्यालय है उसको मतलब महिला महाविद्यालय बनाने की हम कोशिश में थे। वैसे तो राजीव गांधी है, पर हम जैसे लोगों के, गरीब लोगों के बाहर का मामला है वो, तो हमारी ये नॉर्मल बातें थी, जो छोटी छोटी मांगे थी, जैसे किसी का BPL कट गया, किसी का 1,80,000 रुपये, 10-10 महीने के बच्चों को 10-10,000 रुपये चढ़ा दिए, तो छोटी छोटी जो मांगे थे उसके लिए हम यहाँ बैठे थे, भई ये मांगे हमारी पूरी कर दो, या जो यहाँ की मांगे हैं वो पूरी कर दो, जो लेवल बड़े लेवल की है उनको हमें टाइम दे दो, भई इतने टाइम में पूरा हो जाएगा। पर इन लोगों ने कोई संतुष्टिपूर्ण काम नहीं किया, हमसे बात नहीं की, तो हमने क्या किया, इनको पहले दिन मैसेज दिया कि आप लोग हमसे आइए, इतना टाइम है, आप बात करिए। इन दोनों परिवारों ने हमसे बात नहीं की 50 साल से, एक छोटू राम के नाम पे हमसे मतलब वोट लेके हमारे साथ गद्दारी कर गया, और एक चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट लेके हमसे गद्दारी कर गया। तो दूसरी बात ये थी, हमने टाइम दिया, टाइम पे नहीं आए, तो फिर हमने पहले दिन सारे शहर में पर्चे लगवाए, भाई ये किसी को मिले तो इनको धरने पे लेके आइए, हम इसको वो इनाम देंगे। विधायक है वो यहाँ से? हाँ हाँ है विधायक, हमारी वजह से है, हम जैसे लोगों की वजह से है। तो गुमशुदा कैसे, अपने ट्रैक से कैसे गुमशुदा? नहीं, गुमशुदा तो ये होगा ना भाई, हमने टाइम दे दिया उसके बाद भी नहीं आए, उन्होंने बात करना सही नहीं समझा, कोई नेगोशिएट नहीं हो आपके बीच में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दूसरी बात, फिर हमने क्या करा कि हमने अगला दिन कहा भाई हम गुमशुदा की तलाश लिखेंगे, जब समाज हमें ढूंढ के नहीं ला रहा, कहीं से उनका बयानबाजी नहीं आ रहा, यहाँ के वोट लेके गए हैं, तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं की समस्या है या इस क्षेत्र को देखना, इन दोनों का काम था, ये नहीं मिले, तो हमने सोचा भी कोई कम से कम पुलिस ही पकड़ के ले आए इन्हें, गुमशुदा की FIR कराई, पर वो सीधे तो नहीं आए धरने पे, पर वो दिखना नजर आ गए कभी वहाँ उस गांव में, कभी वो उस खुद आए या वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की? नहीं नहीं, पुलिस ने कार्रवाई की, उन तक पता गया कि मीडिया के थ्रू पता चला, हमने नहीं पता। फिर उन्होंने अनाप शनाप बयान देने शुरू कर दिए कि जो तथाकथित कुछ स्थानीय नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, एक बात बताओ, वोट लोगों ने उनको दिए, राजनीति उनको करनी चाहिए, आप हमें मुद्दे क्यों देते हो, राजनीति हम करेंगे नहीं, हम घर बैठेंगे आराम से, हम भी अपने बालक बच्चे पालेंगे, आप यहाँ टिप टॉप रखो सारा सिस्टम, हम कहाँ से राजनीति करेंगे, यदि आप मौका दोगे तो हम राजनीति करेंगे, क्यों दो मौका, करो सारा काम, आप सरकार में हो, आपका काम है, लोगों ने आपको वोट दिया, हमें कोई वोट थोड़ा दिया, हम तो समाज के लिए वैसे सामाजिक काम कर रहे हैं। आप सरपंचों के उसमें भी सपोर्ट कर रहे हो? जहाँ अन्याय होगा, सरपंच हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला, अन्याय तो हो ही नहीं रहा, खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि ये तो जो मजे लेने के, ये हुड़दंग मचाने वाले, नहीं जो रियल है वो 1600 तो काम कर रहे हैं, नरवाना आए थे उन्होंने बोला था, नहीं वो तो कुछ भी कह देते हैं, वो तो मुख्यमंत्री वैसे कैसे नहीं, झूठों का पुलंदा है, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने बात की, झूठों का पुलंदा है वो तो, नहीं मतलब झूठ को इतनी मतलब विश्वास के साथ बोलते हैं कि दूसरा आदमी सोचता है ये तो सच्ची है, मतलब जनता को बेवकूफ समझते हैं। सही, एक बात बताओ, परसों लाठीचार्ज हुआ जींद में, वो किस कारण हुआ ये भी तो बताओ आप, 3 दिन पहले आपने पता चंडीगढ़ में लाठीचार्ज हुआ था, वो किस पे हुआ, 10 दिन पहले हमारे लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था, वो किस लिए हुआ था, मतलब हर तबका है ना, चलो संवैधानिक तरीके से नहीं प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक ज्ञापन तो देने गए थे हमारे, जो प्रोटेस्ट करना तो जो संविधान में हक देता है, जो जींद के DC है वो बड़े नालायक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ यहाँ आए थे, हमने भी उनको ज्ञापन देने की कोशिश की थी, पहले टाइम दिया और फिर गाड़ी में चढ़ के फुर हो गए, तो क्या एक मतलब ज्ञापन कौन लेगा हमारा, हमारे बीच में आम समाज के बीच में ये अधिकारी तो हैं जो समाज और सरकार के बीच का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, पर इनको ज्ञापन लेने में भी टेंशन है, पर इनको पता नहीं है शायद हम सुई से जहाज तक खरीदते हैं तो टैक्स हम लोग देते हैं और हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, शायद इनके दिमाग में। जो सरपंचों के लेके आपने अभी बोला है कि आप उनके प्रोटेस्ट में हो, लेकिन देवेंद्र बबली जी का जो बयान आया है कि अगर हमारे काम में कोई दिक्कत हो तो हमें शिकायत करो, हम वो काम है वो दुरुस्त करेंगे, कि अगर कोई रोड बन रहा है, अगर कोई सड़क बन रही है, अगर उसमें कुछ कमी है हमें शिकायत करो, लेकिन जो ये बैठे हैं ये ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन जो काम करने वाले वो कर भी रहे हैं। एक बात बताओ, 2 साल तक सरकार नहीं थी, यानी हमारी जो छोटी सरकार नहीं थी, पंचायतें नहीं थी, आप 2 साल का उनका कार्यकाल देखो, कितना बवंडर हुआ है और उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, अनट्रेंड ठेकेदारों को वो दिया गया है, ठेका दिया गया है, और उन लोगों ने जी लगा के काम
किया है, खुद भी पैसे खाए और अपने आंखों को खुआए, यानी इनका खून मुंह लग गया। तो ये नू चाहवा सरपंच तो कुछ परसेंट देवेंगे, 13% खाता है बबली, तो 13% के चक्कर में बेचारा का इनका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि सरपंच आए। ये सरपंच मतलब गाँव वालों की सिर्फ जूत खाने के लिए थोड़ी बनाए हैं, यदि इन लोगों को टेंडर ही देना तो फिर सरपंच की क्या जरूरत थी, सारा सिस्टम है उपमंडल से चालू कर देते आप लोग। वैसे 2 लाख से जो गाँव की जो समस्या है वो ठीक हो, एक गली भी नहीं बनेगी। एक बात बताओ, उसमें GST भी तो लगता है, GST कट के 18 GST कट के बचेगा क्या सरपंचों के पास, एक नाली भी नहीं बनेगी। ये तो सब कहने की बातें हैं, कहने और करने में बड़ा फर्क है। जो बैठे वो सही बैठे हैं, सही बैठे हैं जी सरपंच, बिल्कुल सही बैठे हैं। सीधी सी बात है, यदि ऐसा ही मामला है तो ना तो हमें MLA की जरूरत, ना मुख्यमंत्री की जरूरत, ना प्रधानमंत्री की जरूरत, जो हमारा शासन तो अपना रास्ता करे, प्रशासन ही सारे सिस्टम को चलाए इस देश को, और इस देश को अघोषित एमरजेंसी जैसे हालात हैं तो यह राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तराई तराई कर रहा है। किसान रोडों पे है, मजदूर रोडों पे है, महिला रोडों पे है, किसान रोडों पे है, बेरोजगार रोडों पे है, और जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं वो रोडों पे है, ऐसा कुछ नहीं बचा जो चीज़ रोड पे नहीं है। और यदि अब भी अमृतकाल है तो भाई यही सा ऐसा अमृतकाल हमें नहीं चाहिए, हमारा जो पुराने वाला ज़माना नहीं वही हमें वापस कर दो। कब तक धरना रहेगा? ये धरना जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या क्या मांगे आप? मांगी हमारी ये है कि जैसे तहसील में तहसीलदार आया हमारे धरने की वजह से, हॉस्पिटल में CMO आया है, और जैसे पानी की भी सुविधा कुछ हुई है, पर अभी बस स्टैंड की हमारी एक सुविधा बाकी है, बस स्टैंड के अंदर बसें नहीं जाती, और गुरकुल खेड़े को महाविद्यालय बनाया जाए, और जो हमारा ढाकल माइनर से एक नहर लेके आने हैं उस नहर के अंदर हमें 28 गाँवों को फायदा होगा वो पानी दिलाया जाए। जब दुष्यंत चौटाला अपने इलाके में तो 50 किलोमीटर दूर से नहर से एक रास्ता बना के लेके अपने खेतों में पानी लगा सकते हैं, तो हमारे 28 गांवों ने क्या बुरा किया, हमने वोट दिए 47,000। जब दुष्यंत जी आए थे, जब उन्होंने वोट मांगा थे, आपने मुख्य मांगे रखी थी? हमने तो ये मांगे काफ़ी टाइम से, हमने SDM के हिसाब से, DC के हिसाब से, या जो हमारे बीच में प्रशासन है उसके हिसाब से कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, मीडिया में बयान दे चुके हैं, बाकायदा उनसे मिलने का टाइम मांगा है। जैसे वो पीछे करसिंधु आए थे हमने तब भी ये कहा था, यदि वो बात करना चाहते हैं तो हमारा डेलीगेशन उनसे बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें हमारा ईगो की तरफ से क्या जवाब, उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि यहाँ से लेबल नहीं बनेगा, जिसकी कलम के अंदर ताकत होता है ना, लेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हम हिमालया पर्वत से भी लेवल बना सकते हैं। मतलब आपकी बातें नहीं मानी गई तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा 2024 तक, फिर नया MLA MP बनाएंगे, उसके बाद हमारी मांगे पूरी होंगी, उसके बाद हम किनको बना रहे हो नए MLA MP? अभी हम विचार में है, बना रखा है। नहीं, सिर्फ दो या तीन मांगे पूरी हुई है, ज़्यादा मांगे पूरी नहीं हुई। हाँ, इस चीज़ का एक फायदा हुआ, हमारे जो नॉर्मल दिक्कतें थी, जैसे बिजली की दिक्कतें थी, बिजली का छापा बार बार गांव में लग रहा था, उसको रोक दिया गया। जैसे हमारे खाद और खाद के साथ बीज लगाया जा रहा था, उस चीज़ को हम रोक पाए, यानी काफ़ी कुछ समाज के लिए हम दबाव के चक्कर में काफ़ी कुछ हम समाज को राहत दे पाए, जो काम एक MLA को करना चाहिए, एक MP को करना चाहिए, हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं सिर्फ लोगों की आवाज़ उठा के और लोगों को इकट्ठा करके उन सुविधाओं को लेने का काम कर रहे हैं, यानी जो चीज़ें सरकार को वैसे देनी चाहिए बिना कुछ करें, उन चीज़ों को भी हम सिर्फ दबाव के साथ ले पा रहे हैं, यानी हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त है, और हमारे देश में अमृतकाल जरूर चला हुआ है पर हमारे देश में भूखमरी, शिक्षा, रोजगार, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और आखिरी बात ये है कि महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं है, रात तो बहुत दूर की बात। जो ये आपकी मांगों हुए हैं, आपको कब तक संभावना है कि ये सभी पूरी? नहीं, संभावना तो अभी सरकार चाहे तो शाम तक पूरी हो सकती है, ऐसी कोई लंबी चौड़ी तो ये तो है को नहीं, हम कोई राजनेताओं पर कुर्सी मांग रहे हैं, ना MLA MP मांग रहे, हमने तो हमारी जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी कर दो, हमारे ऊपर केस लगे हुए हैं, जैसे हमारे भारत जो संयुक्त मोर्चा है उसकी मांगे भी हमारी साथ है, MSP की गारंटी है, पराली बिल है, बिजली बिल है, जो भी हमारी मांगे हैं, जो भारतीय दिल्ली से जो हमारा संयुक्त मोर्चा है हम उसके नीचे काम करते हैं और संयुक्त मोर्चा के साथ साथ हम काम करते हैं, इसीलिए वाऊ मांगे भी और जो हमारी स्थानीय मांगे उनके लिए हम लड़ रहे हैं लगातार और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, क्योंकि हमने भगत सिंह पढ़ा है और हम संविधान में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं। कई लोग कहते हैं आप जाट हो, जाट होना कोई गुनाह नहीं है, जाट एक वो योद्धा कौम है, पर उसके साथ हम संविधान में बाबा अम्बेडकर के बातों में, उनके संविधान में विश्वास करते हैं, उन लोगों के साथ हमारा बिल्कुल तन मन धन से भाईचारा है, और उन लोगों के साथ भी जो ये सरकार कर रही है ना, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धरने में या आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो सरकार के खिलाफ, एज ए जाट ये किसान, इसमें किसान है सारे, मजदूर भी हैं, क्योंकि किसान एक वर्ग से नहीं आता, इसमें पंडित भी हैं, इसमें चमार भी हैं, इसमें वाल्मीकि भी हैं, इसमें आपने बोला ना कि जाट, नहीं वो सरकार की भाषा है ना,
हम विशेष जाति से आगे ना, हमें पता है कि कोई भी बात होती है तो कहते हैं तो विशेष जाति से है। अरे भाई एक बात, किसान तो किसान होता है। नहीं, हम विशेष जाति से है, हमारा गुनाह थोड़ा, ये तो भगवान का गुनाह, हमें विशेष जाति में पैदा कर दिया और आप लोगों का मुकाबला करने के लिए विशेष जाति का कहा, भगवान ने थोड़ी ना जाति बनाई है, आप फिर उस मुद्दे पे जा रहे हो फिर। पता है क्या, भगवान ने नहीं बनवाई, मोहन भागवत जी कह रहे हैं भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई, आप कह रहे हैं भगवान ने बनाई, आप फिर उस मुद्दे पे जा रहे हैं। क्या ये सरकार का मतलब क्या है, इस सरकार ने तो तरोड़ मरोड़ के करना है जो कुछ भी करना है, जातियाँ तो है ही नहीं, इंसानियत जाती है बस। मैं तो ये मानती हूँ इंसानियत सबसे पहले है, ना कोई जाट है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, असली बात तो है इंसानियत, यदि कोई समझे तो, और नहीं समझे तो वही बात है भाई, जहाँ हम पैदा हुए हमें गर्व करना चाहिए पर किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।